अपहरणकर्ताओं का 10 दिन बीत जाने के बाद अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने पुलिस थाने में जमकर हंगामा काटा। उनका कहना है कि नाम दर्ज शिकायत होने के बाद भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। मामला जनपद हमीरपुर राठ कोतवाली का है, जहां मोहल्ला पठानपुरा निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता पन्नालाल राजपूत की पुत्री गार्गी के अपहरण की शिकायत लड़की के पिता द्वारा की गई थी। पिता का आरोप है कि अपराधियों द्वारा पुत्री को वापस करने के एवज में 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है। जब कार्रवाई नहीं हुई तो गुस्साए अधिवक्ताओं ने राठ कोतवाली का घेराव कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को बढ़ता देख राठ कोतवाली में उनको आश्वासन दिया गया कि जल्द ही आपकी पुत्री को वापस लाया जाएगा। साथ ही दूसरी लिखित शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 387-506 धारा के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। हो गई है, इस वजह से हम लोग यहाँ राठ थाने में आए हुए हैं। कल से रात में आए, आज सुबह 9 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, और इसलिए आए थे कि 29/11/2018 को हमारे जो पन्नालाल राजपूत वरिष्ठ अधिवक्ता है, उनकी पुत्री का अपहरण करके एक वशिष्ठ सोनी ले गया, वशिष्ठ सोनी पुत्र गणेश सोनी ले गया, और आज 10-11 दिन हो गए, आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना कोई किसी तरह से लोकेशन ली, ना कोई जो है उनका मोबाइल सर्विलांस पे लगाया। तब हम लोग कल जो है जब 12:16 पर इसके वशिष्ठ सोनी के लड़के के पिता का फोन, गणेश सोनी का फोन आया पन्नालाल बाबू के फोन पर कि तुमको रुपये का इंतजाम कर लो, अगर तुम 2 लाख रुपये हमको दे दोगे तो लड़की तुम्हारी मिल जाएगी। रवैया हमें बहुत ढलमल रवैया समझ में आया, और ये राजनीतिक प्रभाव में है, और किसी तरीके से जो है कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। हम अधिवक्ता अब लोग आंदोलनरत हैं, और आज FIR के लिए लिखाने आए हैं कि आप निश्चित रूप से ये जो FIR है ये लिखिए, जिनको पैसे की मांग की है। न्यूज़ BK के लिए हमीरपुर से मोहम्मद मुख्तार की रिपोर्ट।